हेलो दोस्तों, रेडमी नोट 10 सीरीज के यूजर जो हैं ट्विटर पे कंप्लेन फाइल कर रहे हैं। ये कंप्लेन रेडमी नोट 10 प्रो और रेडमी 10 यू नोट यूजर्स दोनों कर रहे हैं। दिक्कत जो आ रही है फोन के टच रिस्पांस को लेके आ रही है। दो लोग कह रहे हैं कि उनका हैंडसेट जो है काम नहीं कर रहा है, ना टच ना हैंडसेट। वहीं पे एक यूजर है, उन्होंने कंप्लेन करी है कि उनका रेडमी नोट 10 जो है बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। अब मोस्टली दिक्कत जो लोग फेस कर रहे हैं वो टाइपिंग को लेके फेस कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा है कि उन्होंने क्लेम करा था और उनका हैंडसेट जो है रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है, टच की उसमें आ रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर से कॉन्टेक्ट करा सर्विस सेंटर को, तो उन्होंने कहा कि आप 1 से 2 महीने रुकिए, ये दिक्कत अपडेट के द्वारा ही सही करी जा सकती है। Redmi Note 10 Pro के यूजर एक और दिक्कत फेस कर रहे हैं, स्क्रीन फ्लिकिंग की। और एक यूजर ने कहा है कि ये दिक्कत और तब ज्यादा हो जाती है जब वो रिफ्रेश रेट को 120 कर देते हैं, वहीं फ्लिकिंग बिल्कुल रुक जाता है जब वो 60 का रिफ्रेश रेट कर देते हैं। दूसरे यूजर का कहना है कि डार्क मोड में उनको ये दिक्कत ज्यादा आ रही है। एंड्रॉयड OTA अपडेट डाउनलोड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लेटेस्ट एंड्रॉयड न्यूज के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं बात। ये बात हमने कांटेक्ट करा है Xiaomi से, लेकिन हमें वहां से अभी तक कोई अपडेट आया नहीं। जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस इश्यू पे Xiaomi की तरफ से कोई भी ऑफिशियल रिस्पांस नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।